हालिया दिनों में हमने देखा है कि संघ परिवार और उनके लीडर्स एक कोशिश कर रहे हैं कि आरएसएस के जो लीडरान हैं जिन्होंने देश के स्वतंत्रता के लिए कुछ भी नहीं किया, उन लोगों का एक वाइट वॉश करने का एक काम किया जा रहा है। हाल ही में सावरकर के साथ भी यही हो रहा है। हर कोई जानता है कि सावरकर एक गद्दार है जिसने देश के साथ गद्दारी की और अंग्रेजों के साथ माफ़ी मांगी और अंग्रेजों के लिए काम भी किया, लेकिन फिर भी आज हम देखते हैं कि उसको ग्लोरीफाई करने की कोशिश की जा रही है। और इसी सिलसिले में आपने रिसेंटली देखा होगा कि राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि जो सावरकर ने जो माफ़ी मांगी थी वो गांधी जी के कहने पर माफ़ी मांगी थी। ये बातें मैं आपके सामने कुछ वाजे करने के लिए आज का ये वीडियो हम बना रहे हैं। सबसे पहला बात आप ये देखिए कि इस तरीके का अटेम्प्ट क्यों हो रहा है। आरएसएस के पास खुद के कोई हीरोज नहीं है क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, देश के लिए कुछ किया ही नहीं। जब पूरा का पूरा देश अंग्रेजों से लड़ रहा था, ये लोग देश को बांटने पर लगे हुए थे, तो कुछ किया नहीं। लेकिन आज अपने आप को बड़ा देशभक्त कहने के लिए इन्हें प्रूव करना होगा कि इन्होंने देश के लिए क्या किया। इसलिए ये पूरा व्हाइट वॉशिंग हो रहा है, एक हिस्ट्री को वापस से लिखा जा रहा है और अपने जो हीरोज हैं, जो इनके हिंदुत्व के जो हीरोज हैं जिन्होंने मुल्क के लिए कुछ किया नहीं, उन लोगों का एक पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए अलग अलग बुक्स लिखे जा रहे हैं, अलग अलग सेमिनार फिल्म सब बनाए जा रहे हैं और उसी सिलसिले में सावरकर के बारे में भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। दूसरी चीज, हर कोई जानता है कि देश की आज़ादी में एक सब बड़ा रोल मुसलमानों ने किया, ये कोई भी एक छुपी हुई बात नहीं, हर कोई जानता है। लेकिन ये अभी की बीजेपी गवर्नमेंट और आरएसएस की जो एजेंडा के खिलाफ है, क्योंकि जिन मुसलमानों को लोग देश का दुश्मन बता रहे हैं, वही मुसलमानों की शहादत, वही मुसलमानों का खून इस देश के आज़ाद करने में लगा हुआ है, उसको आप छुपा नहीं सकते। इसलिए मुसलमानों को भी डिफेम करने के लिए, मुसलमानों ने देश के लिए कुछ नहीं किया, ऐसा भी एक नैरेटिव वो लोग ला रहे हैं। तो ये पूरे नैरेटिव से मैं आपके आज आपके हम जो पॉइंट ला रहा हूँ वो रिसेंटली जो राजनाथ सिंह का जो स्टेटमेंट आया सावरकर को लेकर उसके बारे में, तो उसमें देखिए सबसे पहली बात, राजनाथ सिंह ने कहा था कि सावरकर ने माफ़ी मांगी, मर्सी पेटिशन दी ब्रिटिश के सामने, वो इसीलिए क्योंकि महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था। अब पहला चीज़ जो है, सावरकर ने बहुत सारे पेटिशन लिखे, हमें एक तीन चार पेटिशन्स के बारे में पता है, चंद लोग कहते हैं आठ पेटिशन अलग अलग है, लेकिन बहुत सारे पेटिशन उसने लिखी। ये पहला पेटिशन जो उसने लिखा 1911 में था, उसके बाद का जो पिटीशन आया 1913 में था, उसके बाद का 1917 में था। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया को आए 1915 में, यानी महात्मा गांधी इंडिया में आने से पहले ही सावरकर ने महात्मा गांधी से कहाँ से ये परमिशन ले लिया मर्सी पिटीशन डालने का। तो ऐसे झूठ नरेटिव ये लोग फैला रहे हैं। अब इसमें पॉइंट ये है, इतनी आसानी से ये लोग ये झूठी नैरेटिव इसलिए फैलाते हैं क्योंकि इन्हें 100% पता है कि ये कुछ भी झूठ बोलेंगे उसे आंख बंद करके मानने के लिए लोग हैं यहाँ पर। यानी व्हाट्सएप पर ऐसी झूठी हिस्ट्री अगर प्रोपोगेट भी करती है और गवर्नमेंट में रहने वाले, इतने बड़े बड़े पोजिशन में रहने वाले लोग जब ऐसा काम करते हैं, कोई गली मोहल्ले का आदमी नहीं कर रहा है, बहुत बड़े पोस्ट में रहने वाला आदमी ऐसे एक झूठ फैला रहा है, उसको आंख बंद करके मानने के लिए लोग रेडी है और उसको जस्टिफाई करने के लिए गोदी मीडिया अपने प्राइम टाइम को इस्तेमाल करती है। तो ये जो एक माफ़ीनामा उसने मांगा था वो असल में उसकी गद्दारी का, अपने गद्दारी की वजह से उसने किया था। और सेकेंड, वहाँ जो अंडमान में जो उसे जेल में डाला गया था, 6 महीने के अंदर ही उसने लिख दिया था। यानी वहाँ पर ऐसे बड़े 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 देश के आज़ादी के आंदोलनकारी वहाँ पर थे जो लोग अपनी जान दे दिए, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने वो अपना सर नहीं झुकाए, और वहाँ पर ये आदमी 6 महीने के अंदर ही वहाँ की सज़ा देख कर ये वहाँ से भागने की प्लानिंग उसने कर दी और माफ़ी मांगने की प्लानिंग उसने कर दी। तो ये असल में एक भगोड़ेपन की निशानी थी, ये कोई स्ट्रैटेजी की निशानी नहीं थी। दूसरा चीज़, आरएसएस के लोग ये बता रहे हैं कि नहीं, ये उनका स्ट्रैटेजी था, अंग्रेज़ों से के जेल में रह के वो कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए बाहर आकर बहुत सारा काम करने के लिए उन्होंने एक स्ट्रैटेजी किया। ये भी बहुत बड़ा एक झूठ है क्योंकि सावरकर अपने ज़बान का पक्का था। उसने अंग्रेज़ों से अपने माफ़ीनामे में चंद बातें कही थी, उसमें से एक बात उसने ये भी कहा था कि मैं बाहर आऊँगा और अपनी जो भी कैपेसिटी उस कैपेसिटी में इस गवर्नमेंट के लिए, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करूँगा, और अगर आप मुझे यहाँ से बाहर छोड़ेंगे तो मेरी बातें सुनकर बहुत सारे लोग जो भटक गए देश की आज़ादी के लिए काम करने को, उसने भटकना कहा, मेरी बात सुनकर जो बहुत सारे लोग भटक गए हैं वो सारे लोगों को मैं वापस रास्ते पर लाऊँगा और वो सारे लोग भी जो हैं देश के लिए, यानी अंग्रेज़ों के लिए काम करेंगे। यानी जो हमारे क्रांतिकारी थे, जो हमारे देश के लिए आंदोलनकारी थे, ये सारे लोगों को उसने भटका हुआ युवक का। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम के वास्ते उसने लिख दिया, हमें देखना चाहिए सावरकर जेल के बाहर आने के बाद उसने क्या कहा। सब लोग सिर्फ ये मसी पटिशन के बारे में बात कहते हैं, सब लोग कहते हैं उसने माफ़ी मांगी और आरएसएस के लोग कहते हैं वो स्ट्रैटेजी था। अब हमें देखना है बाहर आने के बाद उसने क्या किया।
बाहर आने के बाद उसने अपनी पूरी जिंदगी अंग्रेजों के एजेंडा को इंडिया में इंप्लीमेंट करने के लिए लगा दी। अब एक नया पॉइंट भी आया है कि सिर्फ अंग्रेजों का नहीं, CIA का भी एजेंट था और CIA के लोग भी उसे हर वीकली बेसिस पर पैसा दिया करते थे। और सिर्फ CIA नहीं, फैक्ट है, अंग्रेजों के पेंशन पर भी पूरी जिंदगी अपनी जिंदगी चलाई है उसने। तो बाहर आकर कोई स्ट्रैटेजी नहीं की, बाहर आकर उसने सिर्फ और सिर्फ गुलामी की। उसमें मैं आपको छोटी चीज बताता हूं कि जो उस जमाने के ब्रिटिश के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने एक अपने स्टेटमेंट में कहा था, उनको जाकर इसने सावरकर ने एक लेटर में लिखा था कि ब्रिटिश और हमारे यानी हिंदू महासभा के जो एजेंडेज हैं, ये एजेंडेज बहुत मिलते हैं और हमें साथ में काम करना चाहिए, अपनी दुश्मनी छोड़ना चाहिए। जब पूरे इंडिया अंग्रेजों को अपना दुश्मन समझ रहा था, यह आदमी जाकर ब्रिटिश के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से लेटर लिख के कह रहा था कि हमारे एजेंडा है कि हमें एक होना है। उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आने के वक्त क्या हो रहा था कि एक तरफ हम देखते थे कि सुभाष चंद्र बोस जी एक INA बना रहे थे, आज़ाद हिंद फौज बना रहे थे और पूरे इंडिया के हर धर्म के लोगों से कह रहे थे कि आप आज़ाद हिंद फौज में जम जाओ और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो। उस वक्त ये सावरकर ये क्या कर रहा था, उस वक्त ये अपने कलकत्ता सेशन में सारे कॉलेज में जाने वाले हिंदू युवकों से कह रहा था कि आप ब्रिटिश के मिलिट्री फोर्स में ज्वाइन करो, आप ब्रिटिश के मिलिट्री को ज्वाइन करना है और ब्रिटिश आर्मी में आप जमकर आपको लड़ना होगा। किससे? यही हमारे आज़ाद हिंद फौज के लोग हैं, उनसे लड़ना होगा। उसके बाद जब गांधी जी ने सत्याग्रह का अनाउंसमेंट किया था दिसंबर 1940 में, तो मदुरा के सेशन में यही सावरकर कह रहा था कि उस सत्याग्रह को आप मत मानो, बल्कि जितना हो सके उतने लोग ब्रिटिश के आर्मी में जाकर जम जाओ। उसके बाद वापस आसाम और बंगाल में जब आसाम आज़ाद हिंद फौज के लोग जापनीज आर्मी के साथ इंडिया पर हमला कर रहे थे, उस वक्त भी जब बंगाल और आसाम में जंग चल रही थी, उस वक्त भी यही सावरकर कह रहा था हिंदू युवकों को कि आप लोग अंग्रेज की आर्मी में जमो और वहाँ आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ने के लिए। और ये सिर्फ एक कहावती बातें नहीं है, यानी ब्रिटिश के उस वक्त का जो कमांडर इन चीफ है उसने अपना जो आभार भी प्रकट किया था, उसने ये भी कहा था कि मैं बहुत आभारी हूँ बैरिस्टर सावरकर का जो हिंदुओं से कहता है कि ब्रिटिश आर्मी में जमो और अपनी जमीन के वास्ते लड़ो। यानी जो इसकी गुलामी है, इसकी सावरकर की गुलामी, इस गुलामी का सर्टिफिकेट भी इसको अंग्रेजों ने दिया है। यानी सिर्फ वन साइडेड गुलामी नहीं था, अदर साइड से इसे सर्टिफिकेट भी मिला है। उसके बाद जब हम देखते हैं 23rd सेशन जब था हिंदू महासभा का भगलपुर में 1941 में, वहाँ पर भी इसने वापस ये कहा था कि हिंदुत्व का एक जिम्मेदारी है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर आर्मी नेवी और एरियल फोर्स में जितना हो सके उतना जमे। 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट आया था और पूरे इंडिया के अंदर जितने भी ऑफिसर्स थे, इंडियन ऑफिसर्स थे, वो लोग ब्रिटिश की गवर्नमेंट को छोड़ रहे थे, अपनी सर्विसेज को छोड़ रहे, उस वक्त सावरकर हिंदू सभा के लोगों से कह रहा था कि आप जिस म्युनिसिपैलिटी में हो, आप जिस लोकल बॉडी में हो, आप जिस लेजिस्लेचर में हो, या अगर आप ब्रिटिश के आर्मी में हो, अपने पोजिशन को मत छोड़ो, अपने पोस्ट को मत छोड़ो। तो ये जो एक बात ये लोग लेके आ रहे थे कि सिर्फ स्ट्रैटेजी के तौर पर इसने माफ़ी मांगा है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं था। बाहर आकर इसने अपनी वफादारी भी दिखाई और उस वफादारी का पेंशन भी मिला, तारीफ भी मिला इसे। अब देखेंगे बड़े बड़े ये लोग बात कह रहे थे कि हम देश को बचाने वाले बात हैं, देश को एक करने वाले बात हैं, लेकिन ये बहुत सारे लोग नहीं जानते कि सिंध में और बंगाल में जब मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट हुई थी, मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट के साथ अलायंस में ये भी थे, यही सावरकर था। वापिस उसने कहा स्ट्रैटेजी, लेकिन वहां पर जब सिंध के असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि एक अलग कंट्री बनाना चाहिए पाकिस्तान, या मुसलमानों के लिए अलग कंट्री बनाना चाहिए, उसके बावजूद भी ये सावरकर की पार्टी के लोग रेजिग्नेशन नहीं किए, अपना मिनिस्टर का पोस्ट बचा के रखे। यानी जब जब बात अपने पर्सनल बेनिफिट की आती है, इनके लिए देश कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ उसके बाद आज बड़ा ग्लोरिफिकेशन की बातें होती हैं। अब नेक्स्ट बात मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्यों मुस्लिम लीग के साथ, और मुस्लिम लीग ने जब एक टू नेशन की बात की, सावरकर की पार्टी के लोगों ने अपना पोस्ट से क्यों नहीं इस्तीफा दिया, वो इसलिए क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने तो बाद में कहा टू नेशन थियरी का। 1937 में हम देखते हैं हिंदू महासभा का जो 19th सेशन था अहमदाबाद में, वहीं पर सावरकर ने ये क्लियर कर दिया था कि हिंदू और मुस्लिम ये दो एक अलग नेशंस है, ये दो अलग नेशंस है, एक अपोजिट नेशंस है, ये एक नहीं हो सकते, दो अलग नेशन है। तो ये टू नेशन थियरी की सबसे पहले बात करने वाला आदमी यही है। तो जब आगे जाकर सिंध के असेंबली में जब 1943 में रेजोल्यूशन पास किया, तो इसके पार्टी के लोगों ने अपोज नहीं किया, क्योंकि ये लोग खुद जाते थे कि टू नेशन होना चाहिए। तो देखिए, ऐसा एक आदमी जो पहले माफ़ी मांगता है,
एक बार नहीं मल्टीपल बार सिर्फ माफी नहीं मांगता, माफी मांगने के बाद बाहर आकर अंग्रेजों की गुलामी करता है, अंग्रेजों को सपोर्ट करता है, उनके आर्मी में लोगों को भर्ती होने की बात कहता है, क्विट इंडिया मूवमेंट के खिलाफ बात करता है, ब्रिटिश मींस पॉलिटिशियंस के पास जाकर अपने सर्विसेज को ऑफर करता है और टू नेशन थियोरी को प्रमोट करता है। और ऐसे लोग जिनको अपना दुश्मन कहते हैं, जिन्ना उस जिन्ना की पार्टी के लोगों के साथ अलायंस में बैठकर इस्तीफा भी नहीं देते, ऐसे लोगों को आज देशभक्त प्रमोट किया जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है, जैसे मैंने पहले कहा था, इनके पास लीडर्स नहीं है, इन्होंने आज तक देश के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठ फैलाया है। आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। ऐसे ऐसे लोग जिनका नाम आपने कभी नहीं सुना होगा उनको नेशनल फिगर्स बनाया जाएगा। और टीपू सुल्तान जैसे लोग, अलग अलग जो मुस्लिम आज़ादी के शहीद हैं, इन लोगों को डिफेम किया जाएगा, हिस्ट्री को रीराइट किया जाएगा। ये फैसिज्म का एक तरीका होता है कि फैसिज्म अपना हिस्ट्री बनाता है, बनाते हैं। हमें इंडिया के लोगों को इस चीज़ से आगाह होना चाहिए। हमारा जो एक स्ट्रांग लेगेसी है, एक प्लूरिस्टिक सोसाइटी की एक लेगेसी है, उस लेगेसी को बचाने की हमारी जिम्मेदारी है। और हमारे हिस्ट्री के साथ मुदाखलत करने की जब जब कोशिश RSS के लोग और ये हिंदुत्ववादी करेंगे, उसे रोकने की भी जिम्मेदारी हमारी है। शुक्रिया।